जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की तरफ एक नीले कलर की पट्टी दी होती है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। इसके बारे में पहली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। इसमें हम आगे देखने जा रहे हैं टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू की सेटिंग। इसे हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पर और प्रॉपर्टी में जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने का एक और तरीका है, हम स्टार्ट में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम यहाँ से टास्क बार स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से और इसकी सेटिंग हम देखते हैं इसे किस प्रकार करते हैं। लॉक द टास्क बार सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है। लॉक द टास्क बार यानी कि ये टास्क बार है, इसे हमने लॉक कर दिया है। किस प्रकार से, मान लीजिए इस पर चेक लगा हुआ है, मैं इसे यहाँ पर एरो को रख के बटन दबा के खींचने की कोशिश करता हूँ, ये कहीं भी नहीं हिल रहा है यानी कि ये लॉक है। मैं इस पर चेक हटा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद इसे यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ से हटता है नहीं। देखिए इसे मैं इजिली कहीं भी मूव इसे मैं कर सकता हूँ, यानी कि अभी क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो लॉक द टास्क बार को हम यूज करते हैं टास्क बार को अपनी जगह लॉक करने के लिए, जिससे कि गलती से या किसी कारणवश वो इधर से उधर मूव ना हो, कोई इसे छेड़ ना सके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड द टास्क बार, हाइड यानी कि छुपाना। मैं जैसे इस पर चेक लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है आपको छुप गया है, यानी कि जैसे ही मैं माउस को नीचे ले जाऊंगा तो स्टार्ट मेनू छुपना चाहिए, सॉरी दिखना चाहिए, और जैसे ऊपर ले जाऊंगा छुपना चाहिए। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा, देखिए स्टार्ट मेनू छुप चुका है। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा स्टार्ट मेनू आ जाएगा, ऊपर जाऊंगा हट जाएगा। मतलब जब हमें स्टार्ट मेनू की आवश्यकता होगी तो हमें स्टार्ट मेनू दिखेगा, जब हमें आवश्यकता नहीं होगी नहीं दिखेगा। तो हम इसके लिए ऑटो हाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कीप द टास्क बार ऑन द टॉप ऑफ अदर विंडो। यानी कि मान लीजिए मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया हुआ है, इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे स्टार्ट मेनू दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ ओपन करूँ उस समय ये मुझे दिखाई ना दे, तो मैं इस पर चेक हटा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ और फिर देखिए मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करूंगा तो मुझे टास्क बार दिखाई नहीं देगा। देखिए स्टार्ट मेनू दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मेरा चेक यहाँ पर लगा होता तो कोई भी विंडो ओपन रहेगी उसके ऊपर हमें स्टार्ट मेनू दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें ग्रुप स्माइलर टास्क बार बटन। देखिए यहाँ पर मान लीजिए दो इंटरनेट ओपन है, मान लीजिए यहाँ पर मैं चार पांच नोटपैड या फिर चार पांच पेनवर्स ओपन कर लेता हूँ, तो या तो वो अलग अलग दिखने चाहिए या एक के अंदर एक दिखने चाहिए। अगर मेरा इसके अंदर चेक लगा होगा तो जितने भी नोटपैड या जितने भी पेनवर्स मैंने खोले होंगे सब एक के अंदर एक दिखाई देंगे। अगर यहाँ से चेक मैं हटा दूंगा तो इस प्रकार अलग अलग दिखाई देंगे। मान लीजिए यहाँ दो नेट ओपन थे तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, और मैं चेक लगा कर रखूंगा दोनों एक के अंदर एक दिखाई देंगे। इसके लिए हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। मैं रन पे जाता हूँ, रन में जाके मैं यहाँ से पेन उसको खोल लेता हूँ। इंटर नहीं खुल रहा है पेन, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको और भी खोल सकते हैं, फीवरस देख के खोल सकते हैं इसको। ठीक है, खुल गया है, एक बार खुल गया, फिर से खोल लेता हूँ, दो बार खुल गया, फिर से खोल लेता हूँ, तीन बार खुल गया। देखिए इस प्रकार से को तीन से चार बार मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। देखिए अलग से खुलते जा रहा है, अलग अलग यहाँ पर ही है, अभी एक के अंदर एक नहीं जा रहा है। ग्रुप स्माइलर टास्क बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस जो है दिखाई दे जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। और भी पेनवर्स ओपन कर लेते हैं, ये देखिए जितने भी पेनवर्स थे सभी छह के छह एक के अंदर चले गए। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग दिखाई दें, मैं यहाँ से चेक हटा दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, देखिए छह के छह पेनवर्स जो है अलग हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है शो क्विक लॉन्च। शो क्विक लॉन्च का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस पर चेक लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंटरनेट का ऑप्शन, डेस्कटॉप का ऑप्शन और मीडिया प्लेयर का ऑप्शन। यहाँ पर ये क्विक लॉन्च को आप जोड़ना चाहते हैं या नहीं, देखिए यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर दिए नहीं हुए, इनको यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं या नहीं। जुड़ना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हटा दीजिए। देखिए इसका फायदा ये है कि हमें इनको खोलने के लिए अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शो क्लॉक। शो क्लॉक देखिए यहाँ पर हमको
राइट हैंड साइड पे घड़ी दी हुई है, उसे आप यहाँ से देखना चाहते हैं या नहीं, देखो यहाँ भी शो कर रहा है, देखना नहीं चाहते हैं तो हटा दीजिए, इस प्रकार से हट जाएगी, और नहीं और देखना चाहते हैं तो चेक लगा के रखिए। मान लीजिए मैं नहीं देखना चाहता हूँ, देखिए अभी दिख रही है, अप्लाई कर दूंगा तो ये नहीं दिखाई देगी, देखिए गायब हो गई। मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर चेक लगा दूंगा, और चेक लगाने के बाद अप्लाई कर दूंगा तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो शो द क्लॉक का यूज हम यहाँ से करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड एक्टिव आइकॉन्स, एक्टिव आइकॉन्स यानी इस तरीके से आइकॉन जो यहाँ पर दिए हुए उनको देखना चाहते हैं या आप नहीं देखना चाहते हैं। मैं यहाँ से चेक हटाता हूँ, देखिए सभी देखेंगे, अप्लाई करता हूँ, देखिए यहाँ सभी एक्टिव आइकॉन्स दिख रहे हैं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, चेक लगाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसे चेक लगाकर फिर से अप्लाई कर देता हूँ तो कुछ आइकॉन्स जो दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देंगे लेकिन जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे तो वो छुपे हुए रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम टास्क बार का यूज करते हैं। अब आगे की विंडो वीडियो में हम देखेंगे कस्टमाइज डेस्कटॉप के बारे में। कस्टमाइज डेस्कटॉप में देखिए ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, यह सब सेटिंग्स हैं, इनके बारे में हम आगे देख लेंगे। इसे हम ओके कर देते हैं।